तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टू नॉर्थ। तो ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अ पैरोट इज फ्लाइंग टूवर्ड द साउथ विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस द ट्रेन। द टाइम टेकन फॉर द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन विल बी। तो पैरोट को पूरी ट्रेन क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमको पूछा गया है। तो बच्चों मान लेते हैं ये है आपकी ट्रेन और ये ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, ठीक। और पैरोट कहीं तो भी यहाँ पर है, ठीक। ये पैरोट है यहाँ पर और पैरोट इधर जा रहा है। पैरोट की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड और ट्रेन की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमको पूछा है ये टाइम कितना होगा जब पैरोट पूरी ट्रेन को क्रॉस करेगा। मान लीजिए कोई टाइम होगा जिसको हम टी बोलेंगे। अब ये टी टाइम में आपकी ट्रेन यहाँ पर तो नहीं रहेगी, ट्रेन कहीं यहाँ पर चली जाएगी, ठीक। ट्रेन कहीं यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये जो पैरोट है ये भी कहीं यहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। यहाँ पर पहुँच जाएगा आपका, ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं एक्स बोलूँ, ये ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको अगर एक्स मानूँ तो पैरोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 150 माइनस एक्स किया होगा, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम क्या है, सेम है, टी टाइम सेम है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो टाइम में ट्रेन गई उतने ही टाइम में आपका पैरोट भी तो यहाँ से यहाँ पर गया होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है आपके पास, राइट। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इसने मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम टी में, ठीक। दूसरी चीज है स्पीड कितनी है पैरोट की 5 मीटर पर सेकंड, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 150 माइनस एक्स और सेम टाइम लग गया इसको। तो मुझे बताइए टी इज इक्वल टू एक्स बाय 10 यहां पर आएगा और टी इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स बाय 5 यहां पर आएगा। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स बाय 10 इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स बाय 5 मिल जाएगा। तो ये यहां पर कितना आएगा, तो ये एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 150 300 माइनस 2x। तो भाई 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो वो आ गया 300। तो x कितना आ गया, तो x आ गया 100। यानी ये ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 मीटर का और पैरोट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर का, 150 माइनस 100 50। तो यहां पर हम निकालेंगे स्पीड, ठीक, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 50 मीटर जो पैरोट ने किया है डिवाइडेड बाई टाइम, और स्पीड ऑफ पैरोट कितनी थी 5, तो 5 इज इक्वल टू 50 बाय टी। तो टाइम कितना आ गया बेटा, तो टाइम आ गया 10 सेकंड। तो टाइम आ गया है आपका सेकंड। तो ये तो होगी एक मेथड। दूसरी मेथड हम देखेंगे, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों के बीच में आएगा प्लस का साइन। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 5 और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, तो टोटल आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना है टी, तो ये कितना आ जाता है टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो बच्चों ये दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिया है। कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।